हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? तो 2 दिन से कुछ बना नहीं पाया, एक्चुअली ब्लॉग की शुरुआत ही नहीं कर पाया। शुरुआत की थी मैंने, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा जाने दो। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। आज है वेनसडे, 18 तारीख है। तो देखते कैसे निकलता है आज का पूरा ब्लॉग। यहाँ से ओपनिंग कर रहा हूँ, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया पिछले ब्लॉग को, जैसे कि आपने देखा रहेगा कि हम लोग कहाँ घूमे, क्या क्या खाया हम लोग ने, कैसा रहा हमारा पूरा दिन, 2 दिन का सफ़र, 2 दिन का ट्रिप बोल सकते हो आप सब। तो बहुत पसंद किया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 1000 सब्सक्राइबर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे, मेरी मेहनत, आपका प्यार, आपका सपोर्ट यही चैनल को आगे लेके जाएगा, ये सब चीज़ें। और ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे रेगुलर्स। अभी मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल जॉब पर नहीं जा रहा हूँ, तो मैं रेगुलर ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगा। आज से आप सबको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको रेगुलर ब्लॉग्स देखने मिलेंगे। देखते ये प्रॉमिस मैं रख पाता हूँ कि नहीं, खुद के लिए भी है, चैलेंज है, और आप सबके लिए भी कोशिश रहेगी एक। और बस अभी खाना खाने का टाइम हो चुका है, 12:30 बज चुके हैं, और आज बना है चिकन। तो दीदी बहुत अच्छा चिकन बनाती है, तो हम खाएंगे। और मैं सोचा हूँ कि आज का ब्लॉग यहाँ से ओपनिंग करूँ। ये है हमारा देवघर, ये मंदिर है नीचे, और यहाँ पे फोटोज़ है। तो सोचा कि यहाँ से ओपनिंग करूँ ब्लॉग की। तो देखते हैं कैसा निकलता है इस ब्लॉग, तो बने रहिए। मच्छी कौन खाया? नहीं, मैं तो खाया करूँ। तो ये रहा हमारा खाना, चिकन, रोटी, प्याज, अभी खाएंगे, बहुत भूख लगी है। अब टाइम देख सकते हो, 1:15 हो रहा है, बहुत भूख लगी है। तो चलो खाते, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। तो अभी हमारा खाना हो चुका है, पापा जा चुके हैं जॉब पे, मम्मी अभी कपड़े धोने गई है। फिलहाल आज मम्मी को बहुत लेट हो गया है, क्योंकि आज हम लोग ने घर की साफ़ सफाई की और बहुत सारा भंगार था निकाल दिया, क्योंकि ज़्यादा स्पेस लग रहा था घर पे, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी तो निकाल दिया उसे। और दीदी थक गई है बहुत बाकी के काम करके, तो आराम कर रही है। और बस अभी मैं TV देख के यहाँ पर बैठा हूँ, और मम्मी ने बोला कि TV बंद करो, तो देखते कैसे जाता है समय। और 3 बज रहा है अभी फिलहाल, तो 2 घंटा है हमारे पास, तो कैसे बिताए समय, क्योंकि अभी जॉब पे जाना हो नहीं रहा है, घर पे ही हूँ 2 हफ्तों से, तो समय निकल नहीं पाता है, बोर होता हूँ बहुत। तो ये लैपटॉप पे या मोबाइल पे टाइम पास कर लेता हूँ, या इधर उधर दोस्त लोग के साथ मिल लेता हूँ तो टाइम पास हो जाता है। मैं बाजू में चले जाता हूँ, हमारे पड़ोस में बच्चे लोग हैं छोटे, तो उनसे खेल लेता हूँ। तो ऐसे ही दिन जा रहे, तो अभी मैंने सोचा कि कैसे टाइम पास करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो यार, कल मैंने मूवी देखी थी KGF Chapter 2, तो 1 घंटे का बाकी है देखना मुझे, वापस मैं रिपीट देख रहा था, तो 1 घंटे का बाकी है, तो वो देख लेता हूँ अभी। तब तक टाइम भी हो जाएगा, और दोस्त लोग फ़ोन भी कर देंगे क्रिकेट खेलने के लिए 5 बजे तक, तो हम चले जाएँगे 5 बजे नीचे, और दिखाऊँगा आपको गेम कैसे हम खेलते हैं गली क्रिकेट। तो अभी फ़िलहाल कोई आया नहीं, 2-3 लोग ही आए खेलने के लिए, और बहुत ज़्यादा जल्दी बुला लिया। ये देखो टाइम पास ही कर रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे। दो बजे हाँ, तो दो ही जन ऐसे बोला मैं, समझा ना, कुछ भी आदर्श। ये हमारे मुंबई इंडियंस के कप्तान और रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन है, लेकिन इनको क्रिकेट खेलना नहीं आता। बस मेरा मत करना, बस तेरा क्यों नहीं? अरे बाकी सब कैप्टन है, कैप्टन का शूट नहीं करेगा तो किसका शूट करेगा, पता है ना? हाँ ठीक है। रियान ये चिंटू लाल वाला रन है, देखा रन है, नो दो रन, किधर लगा वो, इधर लगा वो, मैं भी देखा वो, इधर लग रहा है वो, इधर लगा, इधर वीडियो लगा, इधर 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 लगा, इधर वीडियो दिखा। अरे भाई आउट हो गए। तो मैं आ चुका हूँ अभी घर पे, बहुत ही मज़ा आया। 7:30 बजे तक हम लोग क्रिकेट खेलते रहे, अंधेरे में भी हम लोग क्रिकेट खेले, जितना मज़ा आया। और हम लोग हार गए, तो कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, हार के बाद ही जीत आती है, हमारी जो टैगलाइन है तो वो। और बहुत ही मज़ा आया, इतना हम लोग खेले ना, मैं आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि उन लोग ने मेरा शूट ही नहीं किया गधे लोग ने। कोई बात नहीं, इसके ऊपर मैं एकदम डिटेलिंग में ब्लॉग बनाऊँगा। और ये रहे हमारे घर के न्यू मेम्बर, फिश टैंक आ चुके हैं, इसमें 8 मछलियाँ है। तो पहले 2 दिन हो गए इनको आते हुए, तो तब तक मैं इनसे मिली है, और मैं कुछ कर लेता हूँ फटाक से।